क्या हुआ? दंदाने मुबारक, जंग के मैदान में रसूल अल्लाह का दंदाने मुबारक शहीद हो गया तो हजरत उवैस खरानी ने क्या किया? उसी वक्त जमीन की तरफ झुके, पत्थर उठाया, इधर मारा, ये दांत तोड़ दिया। ख्याल आया कि शायद हो सकता नबी का जो दांत टूटा हो वो इसके बाद वाला दांत हो। फिर पत्थर लिया, इधर मारकर दूसरा दांत भी तोड़ दिया। फिर ख्याल आया शायद तीसरा दांत हो। फिर पत्थर लिया, मारा और ये दांत भी तोड़ दिया। इसी तरह ख्याल के बाद ख्याल आता रहा, दांत के बाद दांत शहीद होता रहा, यहाँ तक कि आपने अपने पूरे 32 दांत अपने मुंह से निकाल। मैं पूछता हूँ, उवैस खरानी कौन सी हदीस को देखकर काम कर रहे थे? उवैस खरानी को किस आयत ने बताया था कि अगर नबी का एक दांत टूट जाए तो तुम पूरे 32 दांत निकाल दो? ये मसला उवैस खरानी को क्या नबी ने बताया था, क्या किसी सहाबी ने बताया था, क्या किसी वलीउल्लाह ने बताया था, या किसी ताबई ने बताया था, या किसी किताब में लिखा था, या किसी तहरीर में पढ़ा था? जवाब मिला नहीं रहा। हजरत उवैस खरानी कहते हैं वो किताब पढ़कर अमल करने वाले कुछ और होते हैं, हम किताब पढ़कर नहीं, हम तो हर अमल इश्क़े मुस्तफा में करके गुजर जाते। ये कहते हैं कि ये वाकया है कि हजरत उवैस खरानी मौला अली के गुलामों के गुलाम है हजरत उवैस खरानी, और मर्तबे में तो आप बात ही ना करें, कोई जोड़ ही नहीं है। तो सैयदना अली जिन्होंने लाइव मंजर देखा था हुजूर के दांत टूटने का, उनको तो उसी टाइम एक पत्थर लेकर अपने दांत तोड़ दे तो किसी ज़ईफ सनद से भी दिखा दे। चले इसमें तो हम सही सनद मानते ही नहीं, ज़ईफ सनद क्या, कोई वाकई झूठा ही वाकया है। इश्क है, इश्क है, इसके जरा बोले। जब इश्क हो जाता है तो कुरान खोल के नहीं देखते, क्या करना क्या करना। साल बिन साद बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, ग़ज़वा उहद का चैप्टर निकालें। साल बिन साद कहते हैं अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि रसूलुल्लाह को जब जख्म लगा और आपके दांत शहीद हुए तो कौन था जो रसूलुल्लाह के जख्म पर पानी डाल रहा था और कौन था जो हुजूर का जख्म धो रहा था? अल्लाह की कसम अली मौला अली जो थे वो नबी सल्लम का जख्म मुबारक धो रहे थे और हजरत फातिमा उसको साफ कर रही थी और खून रुकता नहीं था, तो हजरत फातिमा ने एक चटाई जलाकर उसकी राख उस पर रखी तो खून रुक गया। मौला अली और सैयदा फातिमा, क्योंकि कई सहाबा इस जंग में भाग गए थे, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, सही बुखारी में मौजूद है, 12 बंदे हुजूर के साथ रह गए थे, हजरत अबू बकर उमर साथ ही थे। ये भी झूठ शिया बोलते हैं कि वो भाग गए थे, नहीं, हजरत उस्मान भाग गए थे, वो बुखारी में मौजूद है, वो कुरान पाक में आ गया, हमने उनको माफ कर दिया। वलकद अफा अनकुम, अल्लाह तुम्हें बेशक माफ कर चुका, सूरह आले इमरान। अब ये 1400 साल बाद किसी को हजरत उस्मान गनी पर लान तान करके अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हालात ही ऐसे बन गए थे उस वक्त। लेकिन मौला अली नबी सल्लम के साथ जख्म धोरे, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो आप मुझे बताएं, जिसने वो दांत टूटते हुए देखे हैं और सईदा फातिमा जो मरहम लगा रही हैं, उन्होंने अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? ये है फकी। क्या मौला अली से बढ़कर वैसे करनी को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी? मौला अली के गुलामों के गुलाम है हजरत वैसे करनी।